अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर पुणे के साथ आपका मेज़बान इरफान चौधरी। हम इस वक्त खड़े हैं नौशहरा सांसी में, जहाँ पे दोस्ताना कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया है, जिसके कमेंटर हैं हमारे साथ सेठ मोहम्मद शबीर रहमानी साहब। चले इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो क्या राय है आपकी इस मैच के मतलब? जी हाँ भाई, ये जो टूर्नामेंट हो रहा है गुलाम सैन चलारिया साहब उनकी कबड्डी टीम है, और कोटली रेतवाली से एक टीम है इतिहाद कबड्डी टीम, उनके दरमियान जो आज मैच खेला जा रहा है काफ़ी कांटे का मुकाबला खेला जाएगा। और ये सबसे पहले कि आज जो वाम आएगी यहाँ पर, ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा है हो रहा है, कई दहाइयों से ये टूर्नामेंट हो रहा है। ये पहला मौका है कि इसको चैनल पे दिखाया जा रहा है, इसके इनिशिएटिव लिया है गुलाम सैन चलारिया साहब। जी तो नाज़रीन हमारे साथ हैं अब इस मैच के रेफरी मकसूद अहमद गिल साहब, तो चले इनसे पूछते हैं कि इस मैच करवाने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मकसूद अहमद गिल है, मैं पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन और पाकिस्तान का नैशनल रेफरी हाँ। बाकी रही ग्राउंड की गल या मैच की गल, ग्राउंड दोवें वास्ते एको जी होंगी है, दोवें प्लेयर वास्ते, मेहमान टीम वास्ते और मेज़बान टीम वास्ते। जिन्हें अच्छा खेडना है उन्हें कबड्डी विन करनी है, और इंशाल्लाह इतने बड़ी देर तो टूर्नामेंट हो रहा है, गुलाम सैन चलारिया है, उस तो बाद जज भलवान ने उस्ताद इकबाल है, तो मेहनत करते हैं वे कोच साहबान ने, और एक क्लब की बड़ी मेहनत है, तो इंशाल्लाह तुसी भी वेखना है, तुहाडे चैनल ने भी चलाना है, तुहाडे सामने आ जाना जो भी होना है। अगर इंतजामिया टीम जीतती है, अगर अच्छा खेलेगी तो यह जीतेगी, अगर साडी मेहमान टीम अच्छा खेडती है तो वह जीतेगी। बहरहाल जित कौडी की होनी है, जिन्हें भी खेडना है अच्छा खेडना है, कौडी की जित होनी। कबड्डी करवाने का मकसद की है? कबड्डी कराने का मकसद ये वे कि जो छोटे छोटे साढ़े बच्चे ने ना, नौजवान नसल, ये मनशात तो बचन, भैड़े कामों तो बचन, अच्छे कामों चले जाएंगे, ये वेख के शौक पैदा होएगा, और शौक पैदा होएगा और इंशाल्लाह इन्हां चों अच्छा प्लेयर निकलेगा। और इन्हां कोच साहबान की भी यही नाल ही कोशिश है कि इन्हां चों अच्छा प्लेयर निकले और वर्ल्ड के खेडे, इंटरनेशनल खेडे, और इन्हां चों निकलेगा दुआ देंगे और इंशाल्लाह मकसद पूरा हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी तो नाज़रीन हमारे साथ हैं अब जिनकी ज़ेरे निगरानी ये मैच हो रहा है, उस्ताद मोहम्मद एजाज उर्फ जज। चले इनसे पूछते हैं कि ये मैच जो पहले भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैच करवाए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये मैच रखने का मकसद असल इनका क्या है। अस्सलाम वालेकुम। ये मैच जो हम करवा रहे हैं, खिला रहे हैं कबड्डी, हमारा असल मकसद या असल मिशन यही है कि ये जो नौजवान क़यादत है, नौजवान लड़के हैं, ये बुराई से बचें, नशे से बचें और कबड्डी खेलें, और ये हम जहाद समझ के कर रहे हैं, ये हमारा मिशन है। तो आप ये जो नौजवान नस्ल है आगे, यंग जनरेशन है, इनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? इनको यही पैगाम देना चाहते हैं कि सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करें, सब कुछ अपने माँ बाप की इज्जत करने से ही मिलता है, बेशक। और उसके बाद अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है, उसकी अताअत करें और जो खेल की तरफ तवज्जो दें, मेहनत करें। सबसे पहले बात यह है कि यह मेहनत का नतीजा है, जितनी कोई मेहनत करे खुदा उतना ही अजर देता है, बेशक। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ है मैन ऑफ द मैच हैदर अब्बास साहब, जो कि माशाल्लाह पाक आर्मी में भी है, उनकी तरफ से भी खेलते हैं, तो इधर अभी अच्छे जाफी जो है उनका एक तरफ से इनको भी दिया गया। मेहरबानी है, उस भैन भरावान दुआं ने मेहनत हाँ जी बिल्कुल जी, ये सारे भाइयों ने दुआ ने, टीम ने मेहनत की थी, कोचा मेहनत कराई, तो फल मिले सूदा देना जरा दिन की रात मेहनत करता है, बड़ी प्लस हो के बेलोस असी सारा जेदा क्रेडिट उन्होंने देने।